मेल इनफर्टिलिटी जिसको बांझपन भी कहते हैं उसके कॉज और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। आप ये वीडियो मेरा पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर कोई शादीशुदा पेयर या कपल एक साल तक बेबी के लिए ट्राई करता है और उसमें उसे कामयाबी नहीं होती और वो जो लेडी है या फीमेल है कंसीव नहीं कर पाती, तो इसको हम फीमेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। किसी भी लेडी या फीमेल का ट्राई करने के बाद एक साल तक और कंसीव ना होना, इसी को फीमेल इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अब फीमेल इनफर्टिलिटी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं या दो कैटेगरी में रखते हैं। एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। करें और एक साल तक जो है ट्राई करने के बाद भी अगर कंसीव ना हो पाए तो इसको जो है प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। मतलब कोई कपल है, उसकी शादी को एक साल हो गया और वो लगातार एक साल से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन जो फीमेल है वो कंसीव नहीं हो पा रही, तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहलाता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब है कि कोई जो लेडी है उसको एक बार जो है वो कंसीव हो चुकी है या उसको एक बार जो है प्रेगनेंसी हो चुकी है, उसका एक बेबी है और अगर वो दूसरे बेबी के लिए ट्राई करते हैं तो दूसरी बार उसको कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रही है या वो लेडी जो है कंसीव नहीं कर पा रही या वो प्रेगनेंसी नहीं उसको रुक रही, तो इसको जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, प्राइमरी मीन्स एक बार भी कंसीव ना होना, सेकेंडरी मीन्स एक बार कंसीव हो जाना लेकिन दोबारा अगर ट्राई करें तो उसमें कंसीव होने में प्रॉब्लम होना। अब इसके कॉज में फिजिकल और इमोशनल फैक्टर्स जो होते हैं वो दोनों इसमें रोल प्ले करते हैं और इसके अंदर जो है मेल और फीमेल फैक्टर्स दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मेनली जो है जनरली क्या होता है, अगर कोई फीमेल जो है या लेडी जो है कंसीव नहीं कर पाती तो ज़्यादातर जो यही होता है कि इस जो लेडी में है उसी के अंदर जो है कोई माना जाता है कि उसके अंदर ही कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही है। लेकिन 25 से 30% केस में जो है इसमें कंसीव ना होने का जो फैक्टर है वो मेल होता है। मतलब मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम होना या वो जो है कॉम्प्लिकेशन होना जिसकी वजह से जो है फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही। कंसीव करने के लिए मेल और फीमेल हस्बैंड और वाइफ का दोनों का जो है हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एक में भी कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो फीमेल को जो है या लेडी को जो है कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है, वो कंसीव नहीं कर पाती। तो मेल फैक्टर्स में अगर बताऊं आपको, इसमें 25 से 30% जो है मेल फैक्टर ही इसमें जो है रहता है। इसमें जो है पहला जो फैक्टर है वो है प्रीमैच्योर सेमिनल एमिशन या इजेकुलेशन। जो मेल है उसमें जो है इजेकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा जो है इम्पोटेंसी, नपुंसकता, हार्मोनल डिफिशेंसी। जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, अगर उसका लेवल कम हो जाता है तो मेल जो फीमेल है उसको जो है कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर कोई मेल जो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखता है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो रहता है उसका, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने जिसको STD कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, होने की चांस रहते हैं, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी मेल में है तो वो फीमेल को जो है कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट कॉज है मेल फैक्टर में वो है लो स्पर्म काउंट। अगर मेल का जो स्पर्म काउंट जो है वो कम है जितना होना चाहिए तो फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पाती। स्पर्म का जो है काउंट सही होना चाहिए और स्पर्म हेल्दी होना चाहिए, उसमें मोबिलिटी होना चाहिए, तभी जो है फीमेल कंसीव कर पाती है। अगर उसका स्पर्म काउंट कम है तो फीमेल को कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। अब इसमें कुछ ड्रग्स जो है वो भी इसमें, मैरिजुआना जैसे ड्रग हुई
जो बहुत से लोग लेते हैं, अगर वो इस तरह का कोई ड्रग का यूज़ करते हैं तो उनका जो स्पर्म लेवल जो है वो कम हो जाता है, या कुछ प्रेस्क्राइब्ड एलोपैथिक मेडिसिन भी हैं जिनकी वजह से जो है स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जैसे सैमेटिडिन हो गया, स्पायरोनोलैक्टिन हो गया, ये कुछ और भी कुछ मेडिसिन हैं जो स्पर्म काउंट को जो है रिड्यूस कर देती हैं। तो ये तो कुछ जो था मेल फैक्टर्स थे, और 25-30% जो है मेल फैक्टर ही रहता है इसमें। इसके बाद जो फीमेल फैक्टर हैं, 40-50% जो है फीमेल फैक्टर जो है होता है, जिसकी वजह से जो है फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। इसमें फीमेल फैक्टर में जो पहला है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अगर किसी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ किसी फीमेल को है तो उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, या उसके जो यूट्राइन वॉल है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, तो भी फीमेल को कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, या ओवुलेशन डिसफंक्शन जो ओवरी है वो जो है एग को नहीं रिलीज़ करती या नहीं बना पाती तो भी फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पाती, या पुअर न्यूट्रिशन। कुछ लेडी जो है प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेती जिनकी वजह से उनको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से भी कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, या किसी कोई ट्यूमर हो गया यूट्रस में, फाइब्रॉइड ट्यूमर या सर्विक्स कैंसर हो जाता है जो यूट्रस की जो ओपनिंग होती है उसमें, तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी फीमेल को कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, या ओवेरियन सिस्ट PCOD अगर ओवरी में सिस्ट होती है तो भी जो है फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पाती। इसके बाद अगर कोई ट्रांसपोर्ट पुअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसका जो सर्विक्स से लेके और फेलोपियन ट्यूब तक अगर कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज है तो स्पर्म जो है वहाँ जो एग जो बनता है ओवरी से उसके साथ जो है फ्यूज़ नहीं कर पाता और उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होता और फीमेल को कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। मेनली जो कॉज रहता है फीमेल फैक्टर में वो ज़्यादातर यही होता है कि फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाना। ये एक ट्यूब होती है जो ओवरी को यूट्रस से बच्चेदानी से जोड़ती है, इसके अंदर किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से अगर इसको ये ट्यूब जो है ब्लॉक हो जाती है तो ओवरी से जो एग बनता है वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ नहीं हो पाता, उसका मिलन जो है स्पर्म से नहीं होता, और उसमें जो है दोनों जब आपस में नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होने में जो है प्रॉब्लम होती है, और जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कंसीव नहीं कर पाती है। तो ये तो कुछ फीमेल फैक्टर थे, और मैंने आपको बताया 40-50% में फीमेल फैक्टर, और जो रिमेनिंग 10-30% जो है वो जो है कॉज उसका जो है वो है कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम बोथ दी पार्टनर्स। उसमें मतलब ये दोनों पार्टनर में कभी कभी क्या होता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से भी जो है फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पाती, और कुछ परसेंट में ये देखा गया है अनआइडेंटिफाइड कॉज रहता है। मतलब मेल हस्बैंड और वाइफ की जितनी भी रिपोर्ट होती हैं वो सब नॉर्मल आती हैं, जो लेडी होती है उसकी भी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, मेल की भी जो रिपोर्ट है नॉर्मल आती है, लेकिन उसके बाद भी फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पाती, इसको अनआइडेंटिफाइड कॉज कहते हैं। और इसमें भी 5% करीब लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम रहती है कि कोई प्रॉब्लम ना होने के बाद भी वो जो वाइफ है वो कंसीव नहीं कर पाती। अब मैं एज रिलेटेड कुछ फैक्टर आपको बताता हूँ, जो एज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंसीव होने में, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है कंसीव होने के जो चांस है, प्रेग्नेंट होने के जो चांस है वो रिड्यूस होते चले जाते हैं। 21 साल से 26 साल तक जो है उसके जो कंसीव होने के जो चांस हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, और अगर किसी लेडी या फीमेल की जो एज 30 ईयर से कम है, 30 साल से कम है, तो उनके जो प्रेगनेंसी के जो चांस रहते हैं वो 25-30% पर मंथ रहते हैं। अगर किसी लेडी की एज 30 ईयर से कम है तो ये नहीं कि अगर वो ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए तो उनके 80%, 90% या 100% चांस रहेंगे या वो कंसीव हो सकते हैं। इसका जो परसेंटेज रहती है वो 25-30% रहती है। अगर एज कम है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 25-30% चांस पर मंथ उनके प्रेगनेंसी के रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है 35 से ऊपर, अगर एज किसी लेडी की है और ख़ास तौर से 40 इयर्स से ऊपर है, तो ये जो चांस कंसीव होने के जो चांस है ये 10% पर मंथ रह जाते हैं। यानी अगर किसी लेडी की जो एज है 35 साल से ऊपर है, अबाउट 35 इयर्स है,
और अगर 40 ईयर से ऊपर है, 35 या 40 ईयर से ऊपर है, तो उनके पर मंथ जो कंसीव होने के जो चांस हैं वो 10% ही रह जाते हैं। तो ये एज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए जो जो लोग जल्दी बेबी के लिए ट्राई करते हैं जल्दी कम एज में, उनके जो चांसेस हैं कंसीव होने के बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन एज के बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि जो अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन का जो सेक्रेशन है वो रिड्यूस होता है मेल में भी और फीमेल में भी, स्पर्म की क्वालिटी मेल में जो है वो भी जो है डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से जैसे जैसे एज बढ़ती है कंसीव होने के चांस जो है बहुत कम हो जाते हैं। अब ये जो थे ये मैंने आपको एज रिलेटेड बताया, मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, और अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, 1 साल या उससे ज़्यादा का टाइम हो गया ट्राई करते हुए, आपको कोई कामयाबी नहीं हुई है, आप बेबी चाहते हैं लेकिन आपको ये कामयाबी नहीं मिल रही, तो ये जो मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इनको लेंगे तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने आप इनको लें, जब तक जो है आप कंसीव ना हो आप इसको लेते रहें, और आप देखेंगे इस मेडिसिन को लेने के बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट। जो हार्मोनल अगर कोई प्रॉब्लम है अंदर या किसी और तरह की कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो कॉम्प्लिकेशन है ये मेडिसिन बिल्कुल ठीक करेंगी और आप कंसीव या प्रेगनेंसी आपकी रुक जाएगी। तो ये जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसमें जो पहली मेडिसिन है वो थूजा 200 पोटेंसी में लें, उसको वीकली लेना है, 2 बूंदें सुबह खाली पेट पर। जैसे संडे को आप 2 बूंदें लेते हैं तो अगले संडे को इसकी 2 बूंदें लें। जिस लेडी को कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है उस लेडी को ये 2-2 बूंदें वीकली लेना है। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन है वो है अल्फा अल्फा मदर टिंचर की 15 से 20 बूंदें आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लें, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है वो है काली आयोडेटम 30 पोटेंसी में, इसकी 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लें, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी में ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इनके। इसके बाद जो फोर्थ मेडिसिन है वो है ओरम मूल 30, इसकी भी 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है, ओरम मूल 30 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे। और जो लास्ट जो फिफ्थ मेडिसिन है वो है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना 30 पोटेंसी में, 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम। तो ये टोटल मैंने 5 मेडिसिन आपको बताएं, थूजा 200, अल्फा अल्फा मदर टिंचर, काली आयोडेटम, ओरमूर 30 पोटेंसी और फ्रैक्सिनस अमेरिकाना 30 पोटेंसी। इनको आप कंटिन्यूसली लें और सभी मेडिसिन को आपको लेना है, और 10-10 मिनट का गैप सब मेडिसिन में रखें, और ये मेडिसिन अगर आप लेंगे कंटिन्यूसली तो आप देखेंगे आपकी इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है, जो फीमेल में इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन आप लें, और अगर कुछ और कॉम्प्लिकेशन से आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में, कमेंट लिखकर पूछ भी सकते हैं।